इस वक्त हम यहाँ पे पहुँचा है। अभी थोड़ा और रास्ता है, वो सफ़र करना है। इसके बाद हम लेक और नूनकुंड के नज़दीक पहुँचेंगे। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बर्फ़ गिर रहा है क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड है। हाई अल्टीट्यूड में तो गिरते हैं बर्फ़ या बारिश गिरते हैं। इस वक्त हल्का सा बर्फ़ गिर रहा है ना अली भाई, गिर रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा हल्का सा बर्फ़ गिर रहा है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर हम पहुँचा है। अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से देखिए आप, इसके आगे जो दिख रहा ना वो वाला, वहाँ से पीछे नून और कून भी है और एक लेक भी है। अभी बर्फ़ हल्का सा गिर रहा है। देखो अली मोहम्मद यहाँ से ट्रैवलिंग कर रहा है अपनी सफ़र की ओर, मैं भी जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक देखे, हम आपको लेक भी दिखाएंगे। कुछ भी हो जाए, बर्फ़ भी आए, कुछ भी आए, लेकिन हम आपको मकसद तक पहुंचाएंगे। हमारा मेन मोटिवेशन, मेन मकसद यही है, आप लोगों को मकसद तक दिखाना है। हेलो गाइस, मैं और मेरा फेरी भाई मिस्टर मोहम्मद अली, इस वक्त हम बिल्कुल ग्लेशियर के पास पहुंचे हैं। हमने बहुत ट्रैवलिंग किया, आप लोग देख सकते हैं कि किस रास्ते से हम ट्रैवलिंग करके यहाँ तक पहुँचा है। ट्रैकिंग हमने बहुत अच्छी ट्रैकिंग किया आज। ज़िंदगी में पहली बार, मेरा पहली व्लॉग, पहली बार मैंने ऐसा ट्रैकिंग किया ज़िंदगी में। मेरा 21 ईयर्स में मैंने पहली बार ऐसा ट्रैकिंग किया। ऐसा ट्रैकिंग मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था। तो आपको बताते हैं चलूँ, तो ये है ग्लेशियर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है नून, उसको कहता है नून। अभी हमें, मैं और मेरा ब्रदर मिस्टर अली, अभी हमें चलना है यहाँ से, फिर से इस पहाड़ को हमें क्रॉस करना है। इसके आगे वो है नून, इसके आगे वहाँ, इसके नेबर में है कून भी। हम आपको वहाँ पे, इसके पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में वहाँ एक लेक भी है, एक झील भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस रास्ते से उस झील को देखने के लिए आप लोग जाना होगा, वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बराए मेहरबानी करके वीडियो स्किप ना करें, एंड तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त मैं और मेरा भाई मिस्टर मोहम्मद अली, हम नूनकुंड ग्लेशियर के बिल्कुल पास पहुंचा है। इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेल है, एक लेक है जिसको हम उर्दू में झील बोलते हैं। ये है यहाँ पे, इसका कलर देखे जैसे कि केरोसिन ऑयल जैसा लग रहा है, ब्लू कलर है। और यहाँ पे नून है वो, जहाँ पे अभी थोड़ा बादल छाया है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है। इस वक्त हल्का सा बर्फ़ गिर रहा है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में बर्फ़ गिरता है। तो नूनकुंड जो है, ये नून है और वो खून है। अगर आपको बताते चलो तो नूनकुंड का जो हाइट है वो अराउंड 7135 मीटर इसका हाइट है, अगर मीटर में गिना जाए। अगर इसको फीट में गिना जाए तो 23409 फीट है। कौन? नून जो है, नून पिक का ये इसका हाइट है। अगर हम कून की बात करें, कून ये है जो वहाँ पे बादल अभी छाया हुआ है क्योंकि बर्फ़, थोड़ा मौसम यहाँ पे क्लोज हो गया है, बर्फ़ गिर रहा है। कून का अगर हम बात करेंगे तो कून जो है नूनकुंड की बिल्कुल नेबर है, हमसाए जैसा है। तो अगर कून की बात करें तो इसका जो हाइट है 7077 मीटर है, अगर मीटर में गिना जाए। तो अगर इसको हम फीट में गिना जाएंगे तो 23218 फीट है इसकी हाइट। अगर आप लोगों को मैं बताते हैं चलो, तो आपको नूनकुंड और कून की ट्रैकिंग करना है तो ट्रंगोल से भी, एक टंगोल एक विलेज है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहाँ से बिल्कुल आसान है आप लोगों को आने के लिए, थोड़ा परकाजिक से ये वाला पहाड़ भी क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन टंगोल से अगर आएंगे आप लोग ट्रैकिंग करने के लिए इस नून और कून पे, तो आप वहाँ से पीछे से भी रास्ता है, यहाँ से हम क्रॉस भी जा सकते हैं टंगोल की तरफ। लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्यों, हम बच्चे हैं अभी, छोटे हैं। लेकिन हमें घर वालों ने बताया यहाँ एक वेल है, एक झील है, वहाँ से आप लोग वापस आना, वहाँ से आपको सोनोग्राफी करके आ जाना। तो हम इससे, वरना हम इससे आगे भी जा सकते हैं, थोड़ा हमारे लिए, हम दो नफर है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर देंगे अगले, और अगर अल्लाह चाहा तो अगले वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह इसके आगे भी, अगर खुदा ने चाहा तो हम इसके आगे भी हम लोगों को बताएंगे कि इसके आगे और कुछ क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे टंगोल साइड से जाके। यहाँ से तो थोड़ा मुझे रिस्क लग रहा है, रिस्क इतना रिस्क नहीं है, यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो रिस्क है।
टंगोल से आसान है, इंशाल्लाह हम एक दिन टंगोल से भी ट्रैकिंग करेंगे। तो ये है नून कून ग्लेशियर की जो बिल्कुल नज़दीक एक लेक है, झील है, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको बताते ही चलो तो परकाचिक जो है ना, परकाचिक विलेज जो है इन सीनेरी जगहों की, ये जो नून कून ग्लेशियर है इसकी वजह से बिल्कुल हत्ते लद्दाख में मशहूर है। यहाँ को देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट वाले आ जाते हैं और ट्रैकिंग करने के लिए भी आ जाते हैं, इस पे चढ़ने के लिए भी आ जाते हैं। हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम भी टंगोल से जाके और एक व्लॉग बनाएंगे, हम टंगोल की तरफ से रास्ता भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो मैं इस शूटिंग के दौरान, इस व्लॉग बनाने के दौरान मेरे साथ मेरे ब्रदर मिस्टर मोहम्मद अली कैमरा लाइन पे जुड़े हैं, और मैं लियाकत अली साबरी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।